सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब दा स्वागत करदी हां। खबरां शुरुआत करांगे परिंजन हेडलाइंस ते। भारत विच महामारी दा कहर जारी, पीड़ता दी गिनती 29 लाख तो पार, 55 हजार दे करीब लोकां दी हुई मौत। पंजाब विच महामारी दा कहर जारी, सूबे विच अज 3 होर मरीजां दी हुई मौत। महामारी कारण संगरूर विच 2 अते सुनाम विच 1 मरीज ने तोड़िया दम। देश विच महामारी दे वधदे भयानक रूप दरमियान एक दिन विच रिकॉर्ड 62 हजार तो वध मरीज सेहतमंद होए ने। हालांकि इन्फेक्शन दे 68 हजार तो वध नवे मामले कारण सरगर्म मामले भी वधे ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार कल्याण महकमे वालों अज सवेरे जारी अंकड़े अनुसार पिछले 24 घंटे विच रिकॉर्ड 62,282 लोगों नूं इन्फेक्शन तो छुटकारा मिले, जिस नाल सेहतमंद होने वाले की कुल गिनती हुण वध के 21,58,946 ते पहुँच चुकी है। इस दौरान हालांकि इन्फेक्शन के 68,998 नवे मामले सामने आने के नाल सरगर्म मामले 5,633 वधे ने। देश में पीड़ता की गिनती 29,05,823 ते पहुँच चुकी है। सरगर्म मामले 6,92,028 हो चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटिया दौरान 983 लोगों की मौत होने नाल मृतकों की गिनती 54,849 ते पहुँच चुकी है। महामारी नाल सब तो वध प्रभावित महाराष्ट्र विच सरगर्म मामलों की गिनती 2,078 वध के 1,62,806 ते पहुँच चुकी है। 326 लोगों की मौत होने नाल मृतकों का अंकड़ा 21,359 ते पहुँच चुके। इस दौरान 12,243 लोग रोग मुक्त हुए ने, जिस नाल सेहतमंद होने वाले लोगों की गिनती वध के 4,59,124 ते पहुँच चुके। देश भर में सब तो वध मामले इसो सूबे विच ने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सरगर्म मामलों की गिनती 134 का वाधा होने नाल यह गिनती 11,271 ते पहुँच चुकी है। उते ही इन्फेक्शन कारण मरने वाले की गिनती हुण वध के 4,257 हो गई और हुण तक 1,41,826 मरीज रोग मुक्त हो चुके हैं। महामारी नाल हुण तक मध्य प्रदेश में 1,171, पंजाब 957, राजस्थान 921, जम्मू कश्मीर 578, हरियाणा 578, उड़ीसा 380, झारखंड 286, आसाम 221, केरल 191, उत्तराखंड 187, छत्तीसगढ़ 168, पांडुचेरी 137, गोवा 126, त्रिपुरा 69, चंडीगढ़ 31, अंडेमान निकोबार द्वीप समूह 31, हिमाचल प्रदेश 23, मणिपुर और लद्दाख 18-18 मौत हुई ने। उत्तरी नागालैंड 8, मेघालय 6, अरुणाचल प्रदेश 5, सिक्किम 3, दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 लोगों की मौत हुई है। उते पंजाब विच महामारी का कहर जारी है, जिथे जिला संगरूर विच महामारी पीड़ितों की 2 मरीजों ने अज दम तोड़ दिता। इस दे नाल ही हुण जिले विच महामारी कारण हुई मौतों का अंकड़ा वध के 65 ते पहुँच चुकी है। शेरपुर ब्लॉक के 52 साल बलदेव राज की मौत, DMC लुधियाना और सुनाम के 65 साल डॉक्टर सतपाल सिंगला की मौत मोहाली के हस्पताल में हुई है। उधर जिला संगरूर के सुनाम शहर में महामारी का कहर लगातार ही जारी है, जिथे इस महामारी कारण पॉजिटिव व्यक्तियों की गिनती दिनों दिन ही बढ़ती जा रही है। उते ही मौत के अंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। अज सवेरे हुण महामारी कारण सुनाम के एक नामवर डॉक्टर की मौत होने की खबर है। इसकी पुष्टि करदिया शहीद उधम सिंह सिविल हस्पताल सुनाम के सीनियर मैडिकल डॉक्टर संजय कामरा ने कहा कि सुनाम के रामनगर इंदिरा बस्ती के रहने वाले डॉक्टर सतपाल सिंगला जो कुछ दिन पहला किसी बीमारी कारण
मोहाली के फोर्टिस हस्पताल दाखिल होए सन अते उन्हां दे सैंपल लैन उपरांत रिपोर्ट महामारी पॉजिटिव पाई गई सी ते अज सवेरे मौत हो गई है। डॉक्टर संजय कामरा ने कहा है कि इस नाल सुनाम शहर विच महामारी कारण हुई यह सत्तवीं मौत है। उते पंजाब विधानसभा का अगला सैशन 28 अगस्त नूं होण जा रहा है, पर सैशन के शुरू होने तो पहला ही विधानसभा स्पीकर वालों हुक्म जारी किए गए ने कि विधानसभा का सैशन अटेंड करन तो पहला सारे विधायक अधिकारी अते कर्मचारी अपना अपना महामारी टैस्ट कराउणगे। पंजाब विच महामारी के दिनों दिन वधदे प्रभाव नूं वेखदे होया यह हुक्म जारी किए गए ने। इस तों बिना सारे विधायकां नूं पंजाब सरकार वालों महामारी संबंधी जारी किए गए प्रोटोकॉल नूं फॉलो करना भी लाजमी होगा। इस तो बिना जो विधानसभा का सैशन होएगा तो सारे विधायकों अपनी महामारी मैडिकल रिपोर्ट न लैके आनी लाजमी होएगी, जिस तो बाद ही उन्होंने विधानसभा एंट्री दी जाएगी। तुम्हें दस दें कि हर साल पिछले कई दिनों में पंजाब के कई विधायकों की महामारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। उधर महामारी संकट के मद्देनज़र संसद का सैशन जल्दी ही हो जा रहा है। सूत्रों तो मिली जानकारी अनुसार संसद का मौजूदा सैशन सितंबर के दूसरे हफ्ते तो शुरू होगा। दसा जा रहा है कि सैशन 10 सितंबर तो शुरू हो सकता है। एक दिन लोकसभा चलेगी और अगले दिन राज्यसभा चलेगी। सैशन 4 हफ्तों का हो सकता है। सूत्रों अनुसार लोकसभा के सारे संसद मैंबर सेंट्रल हाल में बैठेंगे, जदों कि राज्यसभा के संसद मैंबर लोकसभा और राज्यसभा में बैठेंगे। आरोग्य सेतु ऐप सारे संसद मैंबर लिए लाजमी होगी। स्क्रीनिंग अते सैनिटाइजेशन की प्रणाली हर जगह होगी। MP दे स्टाफ नूं संसद भवन में आने की आग्ञा नहीं होगी। महामारी आफत दरमियान बेरोजगार हुए उद्योगिक कामियां नूं सरकार ने राहत दी है। अजिहे कामियां नूं उन्हां दी पिछले 3 महीनों की तनखा की औसत की 50% रकम बेरोजगारी लाभ वजो दी जाएगी। इस फैसले न तकरीबन 40 लाख कामे लाभ लै सकते हैं। सरकार ने नियमों लचकदार बनाते हुए फैसला किया कि उद्योगिक कामे जिन्होंने महामारी आफत में नौकरी गुआ दी है अजिहे कामियां नूं उन्हां दी 3 महीने की तनखा का 50% बेरोजगारी लाभ वजो दिता जाना चाहिए। यह लाभ उन्हां कामियां नूं दिता जाएगा जिन्होंने इस साल 24 मार्च तो 31 दसंबर तक अपनी नौकरियां गुआ दिखाई ने। यह प्रस्ताव कर्मचारी राज बीमा निगम की बैठक में रखा गया। हुण वधदे आं अगली खबर वल। गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब के संस्थापक सिखां दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का ज्योति जोत दिवस जिते पूरी दुनिया में अज श्रद्धा ते सत्कार सहित मनाया जा रहा है, उत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे वड्डी गिणती संगतां ने पहुँच के श्रद्धा भावना नाल नतमस्तक होईआं ने अते गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। अज पटियाला राजपुरा रोड से स्थित नदी के पुल से सब्जी की रेहड़ी और कार विचाले जोरदार टक्कर हो गई है। घटना सवेरे 5:30 बजे वापरी है। कार चालक औरत मुताबक सब्जी चालक गलत साइड तो आ रहा है। उत्ते ही चश्मदीदा मुताबक टक्कर इन्नी जोरदार सी कि रेहड़ी चालक उछल के नदी में जा टिकी, जिसनों मौके पर खड़े लोगों वालों नदी में उतर के बाहर कढ़िया गया और हस्पताल दाखिल करवाया गया। उत्ते ही मौके पर पहुंची पुलिस वालों मामले की जांच। जीरा नेड़े पिंड छतरा विखे एक किसान वालों कर्जे तो परेशान होकर खुदकुशी करने की खबर। जानकारी मुताबिक मृतक किसान परमजीत सिंह के सिर से 15 लाख रुपये का कर्जा से 3 कनाला जमीन होने करके किसान कर्जा उतार नहीं सकया, जिसकी परेशानी के चलते आज सवेरे उसने मोटर से जाके खुदकुशी कर ली थी। उधर जीरा पुलिस ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक किसान की जेब विचो एक सुसाइड नोट भी बरामद होया। अबोहर की जम्मू बस्ती में बीती देर रात मीह पैण कारण अचानक एक घर की छत डिगन कारण भैन भरा की मौत हो गई है, जदों की उन्होंने माता पिता से एक बच्चा गंभीर रूप में जख्मी हुए हैं।
मृतक बच्चों की पछाण 12 साल की निशा और 10 साल के अमन वजह हुई है, जदों की रिंकू और उसकी पत्नी चमेली और उसका बेटा साहिल गंभीर रूप में जख्मी हुए हैं, जिन्हों अबोहर के सिविल हस्पताल में दाखिल करवाया गया। जलंधर के तेज मोहन नगर में उस समय दहशत का माहौल बन गया जदों इत्थे एक प्रॉपर्टी डीलर के अद्धा दर्जन हमलावरां ने पुराने रंजिश के तहत तेजधार हथियारों नाल कतल कर दिता। खून नाल लथपथ उक्त नौजवान को पहला सिविल हस्पताल में ले जाया गया पर हालत नाजुक वेखदे होया प्राइवेट हस्पताल रैफर कर दिता गया सी। यह सारी घटना थाना नंबर 5 अधीन पैंदे तेज मोहन नगर गली नंबर 4 विच वापरी है। नौजवान ने मौके तो भज के अपनी जान बचाई। जलंधर कैंट के रहने वाले मंटू ने दसिया कि वह अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त तरुण उर्फ लली नू मिलन तेज मोहन नगर गया सी। रात में वह दोवें एक्टिवा से सवार होकर घर वाल जा रहे सन और एक्टिवा तरुण चला रहा है। इस दौरान तेज मोहन नगर की गली में करीब अधी दर्जन नौजवान हथियारों नाल लैस होकर खड़े सन। उक्त नौजवानों ने रस्ते में घेर लिता तो तरुण से हमला किया। घटना तो बाद मौके पर हमलावर फरार हो गए हैं। उत्ते ही मामले की जांच कर रहे एएसआई रविंदर सिंह ने दस्सिया कि पुलिस वालों अगे की कार्रवाई जारी है। इस वेले की वड्डी खबर जलंधर के सिविल हस्पताल तो सामने आई है, जिथे जलंधर के सिविल हस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जदों इत्थे एक कुछ घंटे पहला जम्मिया बच्चा अगवा हो गया। इस दौरान सिविल हस्पताल और पुलिस प्रशासन को हत्था पैरों की पै गई। मिली जानकारी मुताबक बस्ती बाबा खेल के कबीर नगर के रहने वाले दीपक कुमार की पत्नी खुशबू देवी सिविल हस्पताल में दाखिल करवाया गया सी, जिथे उसने अज 12 बजे के करीब एक बच्ची जन्म दिता। इस दौरान डॉक्टरों वालों बच्चे की दादी नू फाइल जमा कराने आख्या गया तो जो वह फाइल जमा करवा के दूसरे फ्लोर से पहुंचे तो उन्होंने वेख्या कि बच्चा उत्थे नहीं सी। बच्चे की मामी और परिवारक मैंबरों वालों बच्चे के अगवा होने की गल कही गई। उत्ते ही मौके पर पहुंची पुलिस वालों अगे की कार्रवाई जारी। बेगमपुरा टाइगर फोर्स वालों पंजाब सरकार खिलाफ भीख मंग अंदोलन शुरू किया गया। आगुआ ने कहा कि महामारी की मार चल रहे लोगों नूं पंजाब सरकार ने अन्नेवार टैक्स लगा के चलान कट के लुटना शुरू कर दिता। उस नाल लोगों विच हाहाकार मची हुई है। इसलिए सरकारी खजाने नूं भरन लई बेगमपुरा टाइगर फोर्स के लोगों वालों पंजाब सरकार लई भीख मंग मुहिम शुरू की गई। आगुआ ने सरकार नूं ताड़ना करदे कहा है कि वह लोगों का चलान अते टैक्सां नाल घाण करना बंद करे अते जनता ते वादू टैक्स जिवें कि हाउस टैक्स बिजली दरां विच वाधा वापस ले जाण नहीं तां आने वाले दिनों विच तिखा संघर्ष उलीकणगे। अफगानिस्तान के कपीसा सूबे के अल साई जिले में हुए रॉकेट हमले में एक नागरिक की मौत हो गई जदों की 3 होर जख्मी हुए हैं। पुलिस के बुलारे ने कहा है कि घटना बीती रात जिले के बाजार इलाके में सरकारी सुरक्षा बलों के तालिबानियों विचाले झड़प दौरान वापरी है। मानसून पूरी तरह सरगर्म है जिसके चलद देश के वक् वक् सूबों में बारिश का आलम जारी है। चंडीगढ़ मोहाली में पिछले कई दिनों तो लगभग रोज़ वाग ही मीह की आमद रही है। आज सवेर तो ही पै रहे मीह ने मौसम में काफ़ी ठंडक लिया है। तापमान में भी गिरावट सुभाविक है। उधर पंजाब के मालवा खिते के कई जिलों में वीरवार बदलवाई बनी रही और सूबे के कई जिलों में मीह भी पैंदा रहा। देश के होर सूबों की गल की जाए तो पूर्वी राजस्थान पूर्वी मध्य प्रदेश गुजरात गोवा महाराष्ट्र में अज बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस अलावा उत्तर प्रदेश पश्चिमी राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड असम तेलंगाना ते मेघालय में भी बारिश हो सकती है। इस समय तो आ गया, धन्यवाद।